सब्सक्राइब कीजिए टेक्नोसार चैनल को और बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको मिल जाए मेरे लेटेस्ट वीडियो के अपडेट सबसे पहले। हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि नोकिया 8 के क्या क्या स्पेसिफिकेशन है, क्या है इसकी प्राइस पाकिस्तान में और क्या है इसके ड्रॉबैक्स या फिर क्या इसके अच्छी बातें हैं। तो ये सब चीजें आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो मेरा नाम है साथ, आप देख रहे हैं चैनल टेक्नोसार। तो चलिए देखते हैं ये सब इस इंट्रो के बाद। सबसे पहले बात कर लेते हैं इसकी स्पेसिफिकेशंस की। तो इसमें आपको 5.3 इंच का 2K का डिस्प्ले मिलता है जो कि एक IPS पैनल है और इसके ऊपर आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन दी गई है। तो ये आपके इस मोबाइल पे आसानी से स्क्रैचेस नहीं आएंगे इसकी डिस्प्ले पर। उसके बाद आपको इसमें स्नैपड्रैगन का 835 वाला प्रोसेसर मिलता है जो 2017 का फ्लैगशिप प्रोसेसर है। अभी तक S8, Note 8 और बहुत सारे फ्लैगशिप जो मोबाइल्स हैं सब में यही प्रोसेसर मिलता है आपको। उसके बाद इसमें आपको डुअल सिम सपोर्ट मिलता है जो कि एक हाइब्रिड सिम स्लॉट है, तो आप इसमें एक सिम और एक मेमोरी कार्ड लगा सकते हैं। उसके बाद आपको इसमें 4GB की रैम और 64GB का वेरियंट मिलता है और एक दूसरा वेरियंट मिलता है जो 6GB की रैम और 128GB के स्टोरेज के साथ आता है। इसमें आपको डुअल 13MP का कैमरा मिलता है जिसका अपर्चर F2.0 है और इस कैमरे से आप 4K रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। फ्रंट में भी आपको 13MP का कैमरा मिलता है, इस फ्रंट कैमरे से भी आप 4K रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, तो ये भी एक बहुत अच्छी बात है। और फ्रंट कैमरे में भी आपको PDAF ऑटो फोकस का सपोर्ट मिलता है, तो इसमें आपको 3 13 मेगापिक्सल के कैमरे मिलते हैं। अब बात करते हैं इसकी बैटरी की। तो इसमें 3090mAh की बैटरी मिलती है जो कि बहुत ज़्यादा बड़ी बैटरी नहीं है। इसके साथ आपको एंड्रॉयड नूगट आउट ऑफ द बॉक्स मिलता है और ओरियो का अपडेट भी आपको इसमें मिलेगा और आपको इसमें IP54 स्प्लैश रेसिस्टेंट मिलता है। सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके एडवांटेजेस की। तो सबसे पहले एडवांटेज इसका ये है क्योंकि इसमें आपको स्टॉक एंड्रॉयड मिलता है, जो जैसे आप देख सकते हैं गूगल पिक्सल्स वगैरह में आपको स्टॉक एंड्रॉयड मिलता है, गूगल्स के फोन में इसमें भी आपको स्टॉक एंड्रॉयड मिलता है, तो आपका बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा, आपके मोबाइल लैग नहीं होगा और बहुत सारे आपको प्री इंस्टॉल एप्लीकेशन नहीं मिलेंगे, तो आपको इसमें स्टॉक एंड्रॉयड का ऑप्शन भी मिलता है। दूसरा इसका एडवांटेज ये कि इसमें आपको फ्रंट में 4K रिकॉर्डिंग कैमरा मिलता है जो कि एक बहुत अच्छी बात है कि आप फ्रंट कैमरे से भी 4K रिकॉर्ड कर सकते हैं। तीसरा एडवांटेज इसका ये कि इसमें आपको क्वाड HD डिस्प्ले मिलता है जो कि 2K डिस्प्ले अब तक S8, Note 8, S8 Plus ये सारे मोबाइल्स में आपको क्वाड HD डिस्प्ले दिया गया है। इसमें भी आपको क्वाड HD डिस्प्ले मिलता है, तो स्क्रीन की रेजोल्यूशन बहुत शार्प है, बहुत अच्छी क्वालिटी का स्क्रीन है, तो ये भी एक इसका एडवांटेज है। चौथा एडवांटेज इसका ये है कि इसमें आपको ओजो का 360° रिकॉर्डिंग ऑडियो रिकॉर्डर मिलता है जो कि पूरे 360 आपको पूरे सराउंडिंग से ऑडियो रिकॉर्ड करके देता है और ऑडियो की क्वालिटी बहुत अच्छी आएगी, तो ये भी एक बहुत बड़ा इसका एडवांटेज है। और इसका लास्ट एडवांटेज ये कि इसकी बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है और कि नोकिया का मोबाइल है, नोकिया के मोबाइल की बिल्ड क्वालिटी वैसी अच्छी होती काफ़ी, तो एंड्रॉयड पे भी आपको नोकिया के काफ़ी अच्छी बिल्ड क्वालिटी इस मोबाइल में आपको मिलती है। अब बात करते हैं इसके डिसएडवांटेजेस की। सबसे पहला डिसएडवांटेज ये है कि इसमें आपको हाइब्रिड सिम स्लॉट मिलता है, मीन्स आप इसमें एक सिम और एक मेमोरी कार्ड लगा सकते हैं और ना ही आप इसमें दो सिम और एक मेमोरी कार्ड अलग से नहीं लगा सकते, तो बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। दूसरा इसका डिसएडवांटेज ये है कि इसमें आपको कोई नया डिज़ाइन नहीं मिलता है या कोई प्रीमियम डिज़ाइन नहीं मिलता है, वही सेम सा डिज़ाइन मिलता है, कोई फ्लैगशिप ग्रेड का डिज़ाइन नहीं मिलता कि हम इसे देखने में कुछ प्रीमियम लुक आए, जैसे कि S8 वगैरह है तो उसमें आपको डिज़ाइन काफ़ी अच्छे मिलते हैं लेकिन इसमें कोई प्रीमियम डिज़ाइन नहीं मिलता, तो ये भी बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है इसका। तीसरा इसका डिसएडवांटेज ये कि इसमें आपको बेजल लेस डिस्प्ले नहीं मिलता है। आजकल सब मोबाइल्स में बेजल लेस डिस्प्ले आ रहे हैं, OnePlus 5T और Xiaomi का Mi Mix 2 या Mi Mix और S8 Plus, Note 8 सब में आपको बेजल लेस टाइप डिस्प्ले मिलता है, लेकिन इसमें आपको 16:9 का एस्पेक्ट रेशियो मिलता है, तो फ्रंट की साइड आपको बहुत सारे बेजल देखने को मिलेंगे। होता इसका डिसएडवांटेज ये कि इसमें आपको बहुत कम बैटरी मिलती है, ये 3090mAh की बैटरी है, तो बैटरी जो है बहुत ना ज़्यादा है ना बहुत कम है, तो एवरेज बैटरी है, बहुत ज़्यादा अच्छे परफॉर्मेंस हम इससे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि इसकी बैटरी बहुत ज़्यादा नहीं दी गई। कम अज़ कम इसमें आपको 3500mAh की तो बैटरी देनी चाहिए थी नोकिया को, लेकिन ये भी इसका बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। लास्ट डिसएडवांटेज इसका ये कि हमें ये फुल वाटर रेजिस्टेंट नहीं मिलता है, हमें S8 Plus ये सब में फुल वाटर रेजिस्टेंट मिलता है कि हम इसे पानी में अगर डुबा भी दें वो सारे मोबाइल तो कुछ मसला नहीं होगा, लेकिन आपको सिर्फ नोकिया 8 में जो है फ्लैगशिप मोबाइल था तो कम से कम
नोकिया को चाहिए था कि वाटर रेजिस्टेंट, फुल वाटर रेजिस्टेंट IP68 का रेटिंग दे, लेकिन वो IP54 का उन्होंने रेटिंग दिया है। तो ये सारे थे इसके डिसएडवांटेजेस, एडवांटेजेस और स्पेसिफिकेशन। अब बात करते हैं इसकी प्राइस के, प्राइस की। तो पाकिस्तान में इसे 59,900 रुपीस का लॉन्च किया गया, तकरीबन 60,000 रुपए का लॉन्च किया गया। आप 6-7,000 और ऐड करके S8 भी ले सकते हैं। तो ये मेरा एक ओपिनियन था कि आप थोड़े से पैसे और ऐड करें और S8 ले लें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसी वीडियो आपके लिए लाता रहता हूँ। जब तक के लिए गुड बाय।